हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज कंचन गुप्ता. सो आज से मैं हायर एजुकेशन की प्रीवियस ईयर जो 2022 के सारे ही सेट्स, मतलब जो इवनिंग मॉर्निंग जो भी दिन रहे, ठीक है, 4-5 दिन जितने भी दिन जो है, अलग अलग तरह के, अलग अलग दिन के जो डेज में जो है पेपर्स हुए हैं, वो मैं आपके लिए लेके आई. जैसे जो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द 9 जुलाई को जो मॉर्निंग सेट में क्वेश्चंस आए थे ओनली फॉर द हायर एजुकेशन, वो हम आज बात, मतलब ओनली फॉर द हायर एजुकेशन स्टार्टिंग में यहीं से करती हूँ. और 2022 में चाहे वो कॉमर्स का पेपर है, चाहे वो मैनेजमेंट का पेपर है, जिसमें भी पेपर वन, क्योंकि कॉमन होता है, पेपर वन सब में आया होगा, सिलेबस कॉमन होता है, तो उसमें जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम बात करेंगे. सो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जो पहले से ही ऑलरेडी हैं वो सेशन को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगी एंड इट माइट बी अ लिटिल बिट फास्टर बिकॉज देर आर लॉट मोर क्वेश्चन. ऑलमोस्ट एक साल के, मतलब अगर हम 2022 के क्वेश्चन लगाएं तो देर आर ऑलमोस्ट 180 क्वेश्चन इसमें है. 180, यस, यू हर्ड इट राइट, ऑलमोस्ट 180 क्वेश्चन जो है आपको 2022 में देखने को मिलेंगे, और उससे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो 2000 जो है 23 के भी जो है इसमें मिल जाएंगे आपको काफी सारे. तो मेरे पास जो है, मैं आपसे जो डिस्कस करूंगी इस सीरीज में, वो 2021, 2022 और 2023, मतलब इन 3 सालों के मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी. बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. और एक बात और, जो ऐप है, यानी कि जो मेरी ऐप है, दैट इज द JRF माइलस्टोन, JRF माइलस्टोन एजुकेशन, दिस इज द ऐप नेम, यही ऐप है. इस पर आप क्या चाहेंगे, आप इस पे डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि इसमें मैं 15 डेज की स्ट्रैटेजी जो है, 15 डेज के लिए 2 लेक्चर्स लेके आऊंगी, वन इन द मॉर्निंग, वन इन द इवनिंग, जो भी है, एंड पेपर वन एंड पेपर टू के हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे 15 डेज के लिए. तो ये सीरीज जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, तो इसके लिए जल्दी से आप फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. यस, ये तो बता, ये दैट इज ऑल फ्री, ठीक है, इसलिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको एनरोल होना है, बस आ जाइए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 9 जुलाई 2022 का मॉर्निंग सेट में जो भी मॉर्निंग में पेपर हुए हैं उनमें आया है ये. अकॉर्डिंग टू द डीपी, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, तो बताइए, ये एक सोशल नीड है, तो आंसर इज सोशल नीड, ठीक है. सेकंड पे आते हैं, पंडित मदन मोहन जो मालवीय नेशनल मिशन है, जिसको हम PMMNMT इस तरीके से करते हैं, उसमें आपको बताना है कि फॉलोइंग में से नॉट अ कंपोनेंट अंडर द स्कीम में नहीं आता है, अंडर द स्कीम में नहीं आता है. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स जो हैं UGC के, फैकल्टी जो है डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, क्योंकि देखिए जो ये टीचर मिशन है, मतलब ये जो मिशन है ये मोस्टली फैकल्टी के डेवलपमेंट के लिए होगा, तो ये तो आएगा ही आएगा. साथ के साथ यहाँ पे ये टीचिंग जो है लर्निंग सेंटर्स है, बिल्कुल है, SOE है, बिल्कुल है. तो जो इसका आंसर रहेगा P1, जो नहीं आता है. इसका अगर पूरा डिटेल देखोगे तो यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लेना. देखो, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स फॉर टीचर जो है एजुकेशन है, UGC से नहीं है, यहाँ पे ये वाला है. तो यहाँ पे कौन सा आता है, फैकल्टी, मोस्टली जो है ये ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, जहाँ पर सबसे पहले है फैकल्टी के डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. फिर यहाँ पे टीचिंग लर्निंग सेंटर्स हैं, यहाँ पे टीचिंग मेथड्स हैं, न्यू न्यू पैडागॉजीज की अप्रोचेज हैं, उनको अप्लाई करना सिखाया जाता है. फिर स्कूल ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे स्कूल ऑफ एजुकेशन जो है विद इन यूनिवर्सिटीज में करा जाता है, यहाँ पे हब ऑफ एक्सीलेंस जो है वो देखने को मिलता है. उसके बाद यहाँ पे रिसर्च में टीचर्स लगे होते हैं, जो है करिकुलम डेवलपमेंट में लगे होते हैं, डेसिमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस में लगे होते हैं, कि जैसे भी वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें देनी है. फिर सेंटर्स होते हैं ऑफ एक्सीलेंस इन साइंस एंड मैथमेटिक्स है, फिफ्थ में इंस्टीट्यूट ऑफ अकेडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट है, राइट. उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी जो है सेंटर्स फॉर टीचर एजुकेशन के लिए होते हैं, ठीक है. इसमें जो ऑप्शन दिया है, देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ UGC, राइट. चलिए नेक्स्ट पे आओ, एक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, यस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है, स्टेटस कैन हैव द फॉरन फैकल्टी, फॉरन फैकल्टी को कब तक, किस मैक्सिमम हद तक रख सकती है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस. इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस
देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है वो एक तरह का क्या है, हायर एजुकेशन जो है एम्पावर करता है। मोस्टली इसमें वर्ल्ड क्लास टीचिंग सिस्टम है जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी की एजुकेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है द इंस्टीट्यूशन शुड बी अमंग 50, मतलब NRI NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग जो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली टॉप 50 में जो स्कूल्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं, टॉप 50 में इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो IOE में आते हैं। ठीक है, और इनका बेनिफिट्स ये रहता है, बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम का, कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं कैन रिसीव अप टू 1000 करोड़ तक यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है, एंड इन एडिशन फंडिंग्स मिलती है, मतलब एंड विल हैव कंप्लीट एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियली ऑटोनॉमी मिलती है। ठीक है, मतलब उनको रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम होती है क्योंकि वो टॉप 50 में आते हैं, तो उनको इस तरह की जो है प्रेफरेंसेस देखने को मिलती है। एज पर द रेगुलेटरी स्कीम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस अगर हम देखें तो 10 पब्लिक के और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है भारत के रिकॉग्नाइज्ड हैं रिनोड टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, रिसर्च सेंटर्स के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? यस, टॉप ये 22 का डेटा है, यहाँ पे आएगा 25। चलो, आइडेंटिफाई द जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ द यूनिवर्सिटीज के आपको बतानी है, बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो ये वाला क्वेश्चन ना NTA ने ड्रॉप कर दिया था। आज और 45 पे यहाँ पे बोला गया है कि हाउ कुड अ लैम्प विच डज नॉट कीप ऑन बर्निंग। ये हम एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये जरूर पता होगा कि ये बात किसने बोली थी, कि अगर एक टीचर जो है खुद जल रही है, मतलब खुद पढ़ रही है, खुद स्टडी कर रही है, तो हाउ दूसरे को कैसे जलाएगी, मतलब दूसरे को कैसे रोशन करेगी। तो ये शिक्षा का पाठ जो है किसने दिया था? तो नॉट अदर देन हमारे टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने ये बात बोली थी। अर्पित, नाउ द अर्पित जो कोर्स है, अर्पित जो कोर्स है हमारा, दिस इज द रिसर्च जो है हमारा, ये ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स है जो कि स्वयं ने ऑफर किया था, स्वयं ने ऑफर किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? UGC HRDCs के ओनली, PMM NMTT सेंटर्स ओनली, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं कोर्सेज, नेशनल रिसोर्स सेंटर्स NRC इन डिफरेंट डिसिप्लिन, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो अर्पित जो कोर्स है वो बेसिकली फोर्थ आएगा इसका आंसर, नेशनल आज ये है NRC के द्वारा। अर्पित का होता है ना, ये एनुअल रिफ्रेशर कोर्स है, एनुअल यस, सो एनुअल एनुअल रिफ्रेशर जो प्रोग्राम है इन टीचिंग में, वो हमारा NRC यानी कि जो है नेशनल रिसर्च जो है रिसोर्स सेंटर करता है। तो अर्पित बेसिकली एक रिफ्रेशर को रिफ्रेशर प्रोग्राम है, ये रिफ्रेशर प्रोग्राम है इन टीचिंग में, जो कि यहाँ पे टिपिकली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं या अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो चूजन, मतलब एक्सपर्टीज चुने जाते हैं जो कि कुछ कोर्स कंटेंट को डेवलप करते हैं, कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज लेके आते हैं ताकि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी नॉलेज और स्किल्स में डेवलपमेंट लाया जाए। तो ये एक तरह का कैसा कोर्स है? रिफ्रेशर कोर्स है। ठीक है, रिफ्रेशर प्रोग्राम है, एक तरह का रिफ्रेशर प्रोग्राम है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MOOC, एनी टाइम फ्रॉम एनी डिवाइस एंड क्लासरूम, ये वाला नहीं है, तो बहुत सिंपल था। वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPSS? यस, SS इज द रेफरेंस टू द सोशल साइंस। ठीक है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हमें स्टैटिस्टिकली जो है हेल्प करता है। उसका करेक्ट आंसर हम लेते हैं, दैट इज द वन, दिस इज द स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस का एक पैकेज है। अब इसमें आप हर तरह के कैलकुलेशंस कर पाते हैं, डेटा को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेशंस कर पाते हैं जिसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगा पाते हैं, और जैसे टी टेस्ट है, वाई स्क्वायर है, एनोवा इक्वेशन है, या इन्फ्रेंसिस और तरह के ग्राफिक्स कर पाते हैं, हिस्टोग्राम है, चार्ट्स, कैरेट प्रोग्राम, पाई चार्ट्स, एडवांस स्टैटिस्टिक्स भी लगा पाते हैं, कस्टम टेबल्स बना पाते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर पाते हैं, सिंटेक्स एडिटर है इसमें, फैसिलिटीज एंड डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें अवेलेबल है। क्लियर है? तो SPSS इज द स्टैटिस्टिकल जो है पैकेज, स्टैटिस्टिकल पैकेज प्रोग्राम नहीं है, दिस इज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि अवेलेबल है जिसमें स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस के स्पेशली। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्रेडिटेड विद डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ द यंग इंडियंस फ्रॉम द वेस्टर्न
टू दी ओरिएंटल एजुकेशन, कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उससे ओरिएंटल की तरफ वो जो है यंग माइंड कौन सा था, तो वो इज दैट वो डोंट थे एनी बेसिस. एनी बेसिन जो है एक्रेडिटेड, क्योंकि एक तो वो यंग उन्होंने काफी ना काम किया है, एंड शी वॉज द ब्रिटिश जो है सोशलिस्ट एंड द थियोसोफिस्ट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट तो रही है, हाँ एंड शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, बहुत ही डीपली उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है. सो उन्होंने क्या किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बाद में लेटर ऑन जो है उसका नाम रखा गया था, उससे पहले उनका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज. एंड उनका जो एफर्ट था बहुत ही इंस्पायरिंग था यंग माइंड्स के लिए, बहुत एनकरेजमेंट मिला था जो यूथ था उस टाइम का. कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज रेकग्नाइज्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस, जो कि इमिनेंस में आते हैं, टॉप 50 में आते हैं एनआरएफ की रैंकिंग में, आर एग्जाम्प्टेड हो जाते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट से, मतलब उनको छूट मिल जाती है अकेडमिक कोलेबोरेशन करने के लिए विद द फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. एग्जाम्प्टेड मतलब कि उनको जो है उस तरह की छूट मिल जाती है. एंड सेकेंड में कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उन्हें कंप्लीट जो है ऑटोनॉमी मिल जाती है, तो सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि उन्हें पूरी ही पूरी कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल जाती है, कि दोनों एक साथ सही तो हो नहीं सकते, तो इसी से आप फॉल्स दोनों तो दोनों गलत हो सकते है ना, एक तो सही हो गए, तो यहाँ पे आप एक कौन सा सही है ये आप अज्यूम कर पाएंगे. फोर्थ आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है. फोर्थ में कहता है वन इज फॉल्स एंड सेकेंड वन इज ट्रू. नाउ जो है एक्रोनियम है यहाँ पे एनसी रेड का, जैसे कि जो ये वी से स्टैंड फॉर वोकेशनल एजुकेशन, तो आप इजिली इसको लगा सकते हो. इसका आंसर रहेगा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. ये यहाँ पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है इसके पास, क्या किस तरह की रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मतलब वो रेगुलेशंस बनाना. तो यहाँ पे जो भी वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूशन है भारत में, उसका एक ये एपेक्स रेगुलेटर है, यहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज और गाइडलाइंस सेट करते हैं. फिर ये क्वालिटी एश्योरेंस, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि वोकेशनल एजुकेशन की एश्योरेंस कौन सी इंस्टीट्यूशन देता है, तो आप ये एनसी वेट का नाम देंगे, जिसमें वेट प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करते हैं, प्लस ये एक एक्रेडिटेशन एंड सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ठीक है जी. उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट एंड अपडेटिंग ऑफ द करिकुलम एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं. इट कोलैबोरेट्स विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टू इंश्योर कि जो करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द करंट एंड फ्यूचर जॉब मार्केट्स में हेल्प करते हैं. फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन, कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस हैं वो एनएसक्यूएफ यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है, उनको फिर सर्टिफाइड किया जाता है. प्रमोशन ऑफ RPL यानी कि रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, प्रमोट करता है रिकॉग्निशन को, यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग लेता है जो भी प्रायर जो है उसको रिकॉग्निशन यानी कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा. एंड इट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म्स फॉर असेसिंग एंड सर्टिफाइंग द स्किल्स थ्रू नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स, कि जो लोग नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल मीन्स से भी स्किल्ड हो रही हैं, जो वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी सर्टिफाई कैसे किया जाए, उसके यहाँ पे मैकेनिज्म्स तैयार किए जाते हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग्स तैयार की जाती है कि किन किन क्षेत्रों में, चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे वो है टेक्निकल है, कोई भी एरिया वहाँ पे किस तरीके से कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्रीज के साथ कोलाबरेशन के जो बच्चे यहाँ पे स्टडीज लेंगे उनको कैसे हम लोग किस तरीके से उनका करिकुलम डेवलपमेंट किया जाएगा, कैसे उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे उनको असेसमेंट किया जाएगा, कैसे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए फैक्ट्रीज में या एग्रीकल्चर में भेजा जाएगा, तो ये सब कोलैबोरेशन में आता है. और ये सब काम कौन देखता है, एनसी वेट देखती है. उसके बाद आता है पॉलिसी की एडवोकेसी, अब उनके लिए कुछ पॉलिसीज बनाना वो कैसे हो सकता है, और फिर उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, वो भी कॉन्टिन्यूसली उनकी इफेक्टिवनेस को देखना और उनसे रिलेटेड जो है सारे डिसीजन एंड इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर ध्यान देना, ये सारी ही चीजें कौन करता है, एनसी वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन स्वयं प्रभा में जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, DTH चैनल्स के थ्रू, वेबसाइट www या वेबसाइट www इनफ्लिकनेट या दूरदर्शन चैनल्स. यस DTH चैनल के थ्रू होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ MOOC प्लेटफॉर्म, इसमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, स्वयं
एडेक्स, कोर्सेरा एंड ई पी जी पाठशाला ऑन थिंग्स लिखने पोर्टल। तो कौन सा नहीं है मूव, दैट इज द फोर्थ, ई पाठशाला जो हमारे जो है इसमें इन फ्लिपनेट पोर्टल को दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्री इकोनॉमी को डेवलप करना, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन बनाना, डेवलपिंग द इनहेरेंट एबिलिटीज एंड पावर ऑफ द स्टूडेंट, मेकिंग द स्टूडेंट फॉलोअर्स ऑफ द टीचर्स, वेरी सिंपल, दैट इज द इनहेरेंट एबिलिटीज को डेवलप करना। नेक्स्ट लेते हैं, ये जो केयर वाला क्वेश्चन है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली हर दूसरे तीसरे के पेपर में ये आता है, मतलब रिपीट होता है, चाहे वो कॉमर्स के फर्स्ट पेपर में आए, चाहे वो मैनेजमेंट के फर्स्ट पेपर में आए, एनी सब्जेक्ट, लेकिन ये वाला जो केयर वाला टॉपिक है वो रिपीट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको अंडर द क्वालिटी मैंडेट ऑफ यूजीसी जो एक्रोनिम है केयर, उसका मतलब क्या है आपको यहाँ पे बताना है, केयर का मतलब क्या है। तो इसका कमीशन है एक तरह का, सेंटर है एक तरह का, कंसोर्टियम है एक तरह का, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड एजुकेशन है। बताइए केयर का क्या मतलब है यहाँ पे, तो बार बार हम केयर सुनते हैं, तो यहाँ देखो एक तरह का कंसोर्टियम है किसका, एकेडमिक और रिसर्च का। ठीक है, इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है, ध्यान से देखते हैं। आइए, ठीक है, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स का ये इनिशिएटिव यूजीसी ने लिया था, और यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च मिलती है। पर्पस यही रहता है कि लिस्ट करना या मेंटेन करना, लिस्ट बनाना, आइडेंटिफाई करना कि क्रेडिबल हाई क्वालिटी एकेडमिक जर्नल्स पब्लिकेशंस कौन से हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड हाई क्वालिटी के जर्नल्स कौन से हैं, अनएथिकल कोई प्रैक्टिसेस तो नहीं है, उन सबको प्रिवेंट करना, पब्लिशिंग इंक्रीडेटरी इन सब जो है उनके जर्नल्स को एक स्टैंडर्डाइज करना, ये इनका पर्पस होता है। तो बेसिकली ये क्या है, रिसर्च में, ठीक है ना, इनका मेन मकसद होता है, ये यूजीसी का रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, जहाँ पर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स का ध्यान रखा जाता है। किसका, एथिक्स का, कि प्लेगियरिज्म तो नहीं हो रहा है, किसी तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है। तो जो केयर मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड जर्नल, जो अप्रूव्ड जर्नल्स होते हैं वो मेंटेन करके रखता है, और उसको बोला जाता है यूजीसी केयर लिस्ट, विच इज रेगुलरली अपडेटेड होती है, एंड दिस लिस्ट इज यूज टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन का ध्यान रखते हैं। ठीक है, कि अगर अगर केयर में लिस्टेड है तो यानी कि वो बिल्कुल ही मान्य है। ठीक है, तो अकेडमिक हो चाहे प्रोफेशनल पर्पसेस से हो। फिर आता है इवेलुएशन प्रोसेस, जिसमें जर्नल्स इंक्लूडेड इन केयर लिस्ट में अंडरगो अ रिगोरियस इवेलुएशन, कि जो भी इस लिस्ट में होते हैं एक बहुत ही लंबे इवेलुएशन प्रोसीजर से जाते हैं, बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और किसी भी तरह का यहाँ आपको अनएथिकल जो है, मतलब कहीं से चोरी किया हुआ या बहुत ही जो है अनएथिकल तरीके से जो प्रैक्टिसेज होती है वो यहाँ पे प्रिवेंट की जाती है, मतलब ना के बराबर होती है। एकेडमिक इंटीग्रिटी का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है, तो जो इंडियन स्कॉलर्स होते हैं ठीक है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी का ध्यान रखते हैं, और गाइडेंस एंड सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है, कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि पब्लिशिंग का और एथिक्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, सम वे क्या होता है, सम वे ये 11 जुलाई में आया हुआ है, 11 जुलाई 2022 में। स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स है फॉर द वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, स्किल एक्रेडिटेशन है ये, समवे या कोई असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ है, या फोर्थ ये वोकेशनल एप्टीट्यूड ऑफ यूथ है। उसका करेक्ट आंसर है वन, दिस इज द स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द यूथ। ठीक है जी, चलिए ऑब्जेक्टिव बताने हैं वैल्यू एजुकेशन के, जिसमें रिस्पॉन्सिबल एंड कोऑपरेटिव सिटीजनशिप होना, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स का एंड इम्पार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग देना, डेवलपिंग द डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड इनकलकेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक अपनी डिग्निटी का रिस्पेक्ट करना, एंड डाइवर्सिटी इन सोसाइटी से, अपनी डिग्निटी और जो हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी है उसको करना, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का डेवलपमेंट करना। तो आपको यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या लगते हैं?
यस द करेक्ट इसका आंसर है यस। ऑलमोस्ट सभी हैं, लेकिन अगर आप ये बी वाला ऑप्शन देखोगे ना, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड इम्पार्टिंग, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली, तो ये वोकेशनल, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, नैरो कर दिया। ओनली वोकेशनल क्या होता है, तो यहाँ पे सिर्फ ये हटा के बाकी सारे आ जाएंगे, तो ए सी डी ई, ठीक है, डी ई हो गया, और यहाँ पे बी बी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, 2021 में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इन अकेडमिक प्रोग्राम्स में ऑफर्ड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऑफर करता है, अ स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री शुड हैव अकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ द लेवल। ओके, तो ये क्वेश्चन आप दो तीन बार पढ़ना, क्योंकि तो इसमें आपको पूछा गया दो तीन बातें, जैसे कि इसमें एक तो पूछा गया आपसे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के बारे में, ठीक है, बच्चे जो है मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं फ्रॉम द एनी कोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द UGC गाइडलाइंस। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट जो कि सीकिंग एडमिशन टू 4 ईयर्स, अगर वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में अपना एडमिशन ढूंढ रहे हैं, है ना, तो शुड हैव, तो उनके पास कितनी क्वालिफिकेशन का लेवल होना चाहिए, तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे, दे हैव अ लेवल ऑफ 7। अब वो क्या होता है यहाँ देखते हैं, मल्टीपल जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं अकेडमिक प्रोग्राम में, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वुड रिमूव द रिजिड बाउंड्रीज, रिमूव करता है और नई पॉसिबिलिटीज लेके आता है, एंड इन एडिशन इट विल पे द वे फॉर सीमलेस स्टूडेंट्स मोबिलिटी, मतलब वो जो है बच्चों को मोबिलिटी का, इससे क्या होता है, हमें बच्चों को ना पढ़ाना है, तो इससे ड्रॉप आउट रेट्स कम होते हैं मोस्टली, इसका जो मेन है, तो ये कहते हैं कि बिटवीन और विद इन डिग्री ग्रांटिंग हायर एजुकेशन, फॉर्मल जो सिस्टम है ना, क्रेडिट रिकॉग्निशन का या क्रेडिट एक्यूमुलेशन का या क्रेडिट ट्रांसफर्स का या क्रेडिट रिडेम्पशन का, ये आपको हायर डिग्री प्रोग्राम मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बेसिकली वो लेवल 7 का होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, आपको डलहौजी जो है उनसे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट बताना है कि ही सपोर्टेड द थॉमसन सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ही प्रोवाइडेड द फर्स्ट ऑफिशियल सपोर्ट फॉर द फीमेल एजुकेशन के लिए, मैंने जो है ऑफिशियल सपोर्ट किया था, ही सपोर्टेड द थॉमसन प्लान फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल, एंड ही रिफॉर्म्ड द हिंदू कॉलेज एंड मेड इट इट रेजिडेंसी कॉलेज ऑफ कैलकटा। तो ये डलहौजी के बारे में है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ये इसका ABCD ऑलमोस्ट सारे ही इनके ट्रू हैं। अब डलहौजी क्या है, उनका रियल नेम जो था वो जेम्स एंड्रयू रेमसे था, जिन्हें जो कि गवर्नमेंट जनरल मतलब जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनका टाइम पीरियड था 1848 से 1856 तक का, एंड डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सिन, जहां पर एब्सेंस बेसिकली ये था, इन्होंने इंडिया को जो है बेसिकली यहाँ पे था कि इन्होंने एक रिफॉर्म लेके आए थे, एंड वो बेसिकली यहाँ पे ये गुड्स डिस्पैच के टाइम पे 18 जो है 54 के टाइम पे थे, जहाँ पे उन्होंने थॉमसन का जो है वर्नाकुलर सिस्टम था, जो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि वर्नाकुलर एजुकेशन देंगे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, और उन्होंने कहा टेक्निकल एजुकेशन भी देंगे, ठीक है। उनके बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज को जो है उनका प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कैलकटा में रिफॉर्म किया, एंड देन फर्स्ट ऑफिशियल जो सपोर्ट था फीमेल एजुकेशन का वो भी उन्होंने दिया था। मैच करते हैं, ये आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर्स दे रखे हैं, UGC CEC NAPTEL AICTE एंड इग्नू, यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्निकल कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, यूजी के और पीजी लेवल के नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं, सेल्फ पेस्ड एंड लाइफ लॉन्ग, मतलब 2022 में भी नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी दे रखे हैं, इसके आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ दे रखा, तो आप UGC में थर्ड आएगा कि जो UGC है वो अंडर ग्रेजुएट और पीजी के नॉन टेक्निकल कोर्सेज कराते हैं, नॉन टेक्निकल, नेपटेल आपको टेक्निकल कोर्स कराती है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी टेक्निकल कोर्सेज जो भी है वो कराएंगे। फिर जो AICTE है दैट ये आपको सेल्फ पेस्ड और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और इग्नू जो है वो एक तरह का सर्टिफिकेट जो है प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ये होता है बी का, ठीक है जी। तो उसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाउ मेनी मॉड्यूल्स इन ई कॉन्टेंट इन 4 क्वाड्रेंट फॉर्मेट में आर टू बी मेड फॉर कन्वर्टिंग द सिलेबस फॉर 1 मोक ऑफ 4 क्रेडिट्स, तो कितने मॉड्यूल्स आप देखने को मिलते हैं इसमें, तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 35 से 40 मॉड्यूल्स यहाँ पे
आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन, ई गवर्नेंस इज रिगार्डेड एज आईसीटी एनेबल्ड सिस्टम इन अचीविंग द गुड गवर्नेंस, राइट। कि अगर हम ई गवर्निंग ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस इज रिगार्डेड एज द आईसीटी इनेबल्ड सिस्टम इन अचीविंग गुड गवर्नेंस, बिल्कुल सही बात है। ई गवर्नेंस होता है जहां पर हम टेक्नोलॉजी जहां पर हम लोग आईसीटी का एप्लीकेशन करके ना जो है एक गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ट्रांजेक्शन एंड इंटीग्रेटिंग प्रीवियसली जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं वो। तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ही कहलाया जाता है। यहाँ पर आईटी का इम्प्रूव किया जाता है जिससे हम सोसाइटी की नीड्स को कैटर कर सके, राइट। तो ये बात सच है। और इसका रीजन क्या कहता है, एम्पथी इज वन ऑफ द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। ये रीजन तो फॉल्स है क्योंकि एम्पथी इज नॉट द डिजायरेबल एलिमेंट इन दिस पर्सपेक्टिव। बट हाँ, क्या होता है, रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी, जब हमारी सोसाइटी से हमें इन इक्वालिटी रिड्यूस करनी है तो एक तरह का टूल हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रीजन सॉलिड नहीं है। तो उसका आ जाएगा थर्ड आंसर। तो ई गवर्नेंस आप समझ सकते हो यूजिंग ऑफ आईसीटी इन द गुड गवर्नेंस में जब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वन कहता है वैल्यू एजुकेशन इज नॉलेज बेस्ड एंड इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, एंड स्टेटमेंट टू, वैल्यू एजुकेशन इज द एसेंशियल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम ये वन इज इनकरेक्ट है एंड द सेकेंड वन इज करेक्ट, राइट। एज पर द यस एक और आ गया है गाइडलाइंस, जो कि 2021 की जो गाइडलाइंस थी यूजीसी की मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट में इन अकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए, जो अकेडमिक क्वालिफिकेशन लेवल 6 है वो किस पर बेस्ड है, अकेडमिक क्वालिफिकेशन का। इसका करेक्ट आंसर यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ लेवल्स दिए हुए हैं, जैसे लेवल 5 जो है दीज आर द अंडर ग्रेजुएट। आपसे पूछा है यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको जो है इतने क्रेडिट्स रिक्वायर होते हैं जो लेवल 6 के हैं। यहाँ देखो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट ये रहा डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, इन द फील्ड ऑफ जो है लर्निंग एंड फॉर दोज हु एग्जिट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 4 सेमेस्टर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी फर्स्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट। तो ये उसके लिए है, यहाँ पे डिप्लोमा दिया जाएगा जो इतने में एग्जिट कर जाता है उनको। उसके लिए 72 to 80 क्रेडिट्स की जरूरत है। तो उसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लेना, ये आपको मल्टीपल यहाँ पे आपको जो है ये लेवल्स दिए जाते हैं। कि यहाँ पे आपको लेवल्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विच रेगुलेट द प्रोफेशनल एजुकेशन इन द कंट्री। प्रोफेशनल एजुकेशन इसमें रेगुलेट कौन करता है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल काउंसिल वैट। ये वोकेशनल एजुकेशन के लिए करता है, यहाँ पे सिर्फ आपसे प्रोफेशनल पूछा गया है, या नेशनल एनसीटीई या काउंसिल ऑफ जो है आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ही है, लेकिन जो नहीं है वो ये वाला है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बिकॉज दिस इज द रिसर्च सेंटर। क्या है ये, रिसर्च सेंटर। और जो रेगुलेशन बॉडी, जैसे ये वोकेशनल को करता है, ये टीचर एजुकेशन को करता है, ये काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर की है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च है, लेकिन ये दिस इज द रिसर्च, ठीक है, ये वाला, सॉरी 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 सॉरी, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज विच रेगुलेट द प्रोफेशनल एजुकेशन। तो ये वाला है बी, प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है जी। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे यहाँ देखो प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट होता है, अर्न एंड मेंटेन द प्रोफेशनल क्रेडेंशियल, जैसे अकेडमिक डिग्री टू फॉर्मल पोस्ट वर्क में होता है, जो स्टैचुटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं जैसे AICTE, ठीक है, MI, IAR, NCTE, अदर प्रोफेशनल, ये सारे हैं, ठीक है, बाकी सारे BRC,
है, जो है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, जो ये सारे हैं, ये सारे ही हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम में आते हैं। ठीक है, ओके, इसका भी आंसर दे रखा है। इन एशियन टाइम्स सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस जो है सिविलाइजेशंस विच वर स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, ऐसा इसमें से कौन सा सिविलाइजेशन है जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज देखने को मिली है? इंडियन, इजिप्ट, जापान, जर्मनी एंड ग्रीस। उसका आंसर है ए, बी एंड ई, मतलब एक भारत देश में, इजिप्ट में और यहाँ पे हमारे ग्रीस में। ठीक है, अब यहाँ देखो जो ग्रीक का सिविलाइजेशन है बहुत ही फ्लरिश्ड है। ठीक है, ये दिस यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना लैंग्वेज में या टेपोग्राफी या फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंसेस में बहुत ज्यादा है। एंड द सिविलाइजेशन कैन ऑल्सो बी क्रेडिटेड फॉर द करेंट सिस्टम ऑफ म्यूजिक नोट्स, वहाँ पे देखना, मतलब ग्रीक का जो थिएटर है, ग्रीक का जो कम्युनिकेशन मीडियम है, वहाँ पे जो नर्चर्ड फिलोसफर्स हैं, जो है वो आर्ट के हों चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हों, बहुत ज़्यादा फेमस है। सिमिलर ऐसे ही इजिप्टियन का जो कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड सिमिलरली हमारे भारत देश का तो है ही है। ठीक है ना, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में अगर हम देखें, द इंडियन यूनिवर्सिटीज टर्न आउट ओनली अ डिसकॉन्टेंटेड होर्ड ऑफ ऑफिस सीकर्स whom we educated for places which are not in existence for them to fill. Okay, इसमें से कौन से ऐसे ब्रिटिश ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है ना वो एक तरह का बस ऑफिस फिलअप का काम बन गया। ठीक है ना, कि ऐसे नियुक्ति की जाए, तो ये कौन से थे? ये थे हमारे कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की थी। तो हमारे इंडियन जो है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो हमारे 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक्ट है लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिनको अपग्रेड एंड टेक द एजुकेशन सिस्टम एट द अनदर लेवल पे ले गए थे। इट स्टार्टेड विद द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट हुआ था जो शिमला में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, एंड ऑल द जो इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर्स थे वर कॉल्ड दिस मीटिंग पे बुलाए गए थे। एंड अ कमीशन वॉज अपॉइंटेड ऑन 27 जनवरी को, विच वॉज लीड बाई द थॉमस जो है रेलिफ के द्वारा जो है लीड की गई थी, जहाँ पर बेसिकली कंडीशन एंड जो प्रॉस्पेक्टिस है यूनिवर्सिटी और इन इंडिया का वो वहाँ पे डिस्कस हुआ था। अब मेन डिस्कशन में क्या था कि यूनिवर्सिटीज वर गिवन द राइट टू टीच एंड राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, कि यूनिवर्सिटीज को इट सेल्फ ये राइट दिया जाएगा कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सके। एंड स्कोप ऑफ यूनिवर्सिटीज इंक्रीज, ताकि हमारा जो यूनिवर्सिटीज का जो स्कोप है वो इंक्रूव हो सके। यूनिवर्सिटीज हैड द राइट टू मेक द प्रोविजन्स, अब यूनिवर्सिटीज जो हमारा इंडियन एजुकेशन यूनिवर्सिटी एक्ट था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे यूनिवर्सिटीज में शुड नॉट बी लेस देन 50, 50 से कम नहीं होंगे, 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। अनटिल दिस मोमेंट नंबर ऑफ सीट्स जो रहेंगी, मतलब प्रॉपर जो भी डिस्कशन हुआ ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारे लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये बातें रखी हुई थी, उनका बहुत जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में हाथ रहा है। एज पर कॉपी राइट लॉज जो फेयर यूज है, अलाउ द लिमिटेड यूज ऑफ कॉपी राइट वर्क्स फॉर, हमारा जो फेयर यूज का जो हमारा लॉ है वो कितने लेवल पे, मतलब किस लेवल पे छूट देता है, तो वो आता है एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पे अथॉरिटी मिलती है ओनर को कि वो रिप्रोड्यूस, ट्रांसमिट, अडाप्ट, एक्सिबिट एंड परफॉर्म कर सके क्रिएटिव वर्क को। ठीक है, अभी जो कॉपीराइट था मे बी गिवन अंडर द पब्लिक लॉ एंड दे आर रेफर्ड एज अ टेरिटोरियल राइट्स कहते हैं। जो फेयर यूज है इज एक्चुअली असेस्ड केस बाय केस पे डिपेंड करता है, नो क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, बस केस पे डिपेंड करता है कि क्या केस उनके सामने आता है। अंडर सेक्शन अगर हम 13 ऑफ कॉपीराइट का देखें 1957 का, ये डील करता है कि जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं, जो थियोरेटिकल थिएटरिकल वर्क्स होते हैं, म्यूजिकल वर्क्स होते हैं, क्रिएटिव वर्क्स होते हैं, सिनेमेटोग्राफ होते हैं, ये उन पर लागू होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13, ये पता होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, तो फेयर यूज जो है अलाउ करता है लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइट, आप लिमिटेड यूज करें। नेक्स्ट आते हैं द ई कंटेंट जनरेटेड अंडर ई पीजी पाठशाला, कि जो इस ऐप पे जो ये प्रोजेक्ट है नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का, इसके अकॉर्डिंगली जो हम कंटेंट को जनरेट करते हैं,
उसमें कौन हेल्प करता है, कौन होस्ट करता है, तो वो होस्ट करता है हमारा इनफ्लिपनेट। कौन होस्ट करता है? इनफ्लिपनेट, राइट। द ई कंटेंट जो है, क्या ई कंटेंट जनरेटेड अंडर द ई पीजी पाठशाला, जो इग्नू ने स्टार्ट किया हुआ पीजी पाठशाला प्रोजेक्ट को, फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, जो नॉन टेक के पीजी कोर्सेज होते हैं उनके लिए जो ई कंटेंट तैयार किया जाता है, वो कौन तैयार करता है? वो तैयार करता है इनफ्लिपनेट, ठीक है, एग्जीक्यूटेड बाय द यूजीसी। द कंटेंट एंड इट्स क्वालिटी जो है एट पीजी पाठशाला बीइंग द की कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखने को मिलता है हमको 70 सब्जेक्ट्स में। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी जो नेट इनफ्लिपनेट जो सेंटर गांधीनगर में है, वो एक ऑटोनॉमस आज है यूनिवर्सिटी सेंटर है यूजीसी का, राइट। इट्स अ मेजर नेशनल प्रोग्राम है जो यूजीसी ने इनिशिएट किया था 1991 में, जिसके अंदर जो है IUCAA के बिकम इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स बना था, ठीक है। सो दो कंटेंट इसमें जनरेट किया जाता है नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, वो कौन करता है? इफ इनफ्लिपनेट की फुल फॉर्म आती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। अब ये जो स्वयं का है, स्वयं का जो है स्टडी ई वेब जो है ऑफ द एक्टिव लर्निंग फॉर यंग जो है एस्पायरिंग माइंड्स, ये एक तरह का गवर्नमेंट जो है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो कि मॉक चैनल को होस्ट करता है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को वर्चुअली कोर्सेज अटेंड करने के लिए हेल्प करता है। और जो ये नेपटेल है, नेपटेल इज अ NHRD प्रोजेक्ट, एंड बेसिकली ये 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज में आपको देखने को मिलेगा। ये 7 जो है इंस्टीट्यूट्स को कैटर करता है, जिसमें बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की, ये 7 सेंटर्स हैं जहाँ पर नेपटेल NHRD के लिए काम करता है, ठीक है। और इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देता है, और जिसका मेन गोल है वेब और वीडियो कोर्सेज को तैयार करना इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेस कोर्सेज के लिए जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में है। तो नेपटेल 7 जो है उसके लिए काम करता है, ये याद रखेंगे आप, 7 इंस्टीट्यूट्स के लिए काम करता है और NHRD के अंदर आता है। इनफ्लिपनेट जो है वो इंफॉर्मेशन, ये UGC का प्रोग्राम है जो है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, स्वयं एक मूक चैनल है। और जो इग्नू है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 1985 में आया था, कॉन्टिन्यूसली स्ट्रिवन करता है ये, एंड इट हैज़ ट्राई टू इंक्रीज द GER को, बहुत जो है इन्होंने ट्राई किया था बाय ऑफरिंग द हाई क्वालिटी फॉर ODL मोड पे, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड पे हाई क्वालिटी में देने के लिए। और मोस्टली सबसे बड़ा हाथ अगर समझा जाए तो वो कोशिश जो की गई थी GER को, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की, वो इसके थ्रू की गई थी कि बच्चा अगर ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा था कि बच्चों के एनरोलमेंट ही नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से ले, याद रखेगा, नेपटेल जो है नेपटेल बेसिकली NHRD प्रोग्राम है और 7 इंस्टीट्यूट के लिए काम करता है। उसके बाद आता है इनफ्लिपनेट जो कि UGC का प्रोग्राम है, और ये जो है नॉन टेक्निकल, क्योंकि जो नाम से ही समझ लेना, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है ये UGC चलाता है। तो ये UGC का कौन सा है? इनफ्लिपनेट है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप पकड़ सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, स्वयं मोक चैनल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ले लेते हैं, यस, तो हु इज फुली क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ऑफिशियली थ्रू द नेसेसरी ऑर्डर इशूड बाय बेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 7 मार्च 1835। सो दिस क्वेश्चन ऐसा है जो आपको एक दो बारी तो पढ़ना पड़ेगा, एंड देन यू विल क्रैक दिस, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। सो यहाँ पर आपको बोला गया कि किसको जो है क्रेडिट दिया गया था जो है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑफिशियली, अगर हम देखें कि किसी ने ऑफिशियली बोला तो सभी ने था, मतलब कि हाँ चलो इंग्लिश एजुकेशन को ये लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन जो ऑफिशियली लेके आए थे थ्रू दी ऑर्डर, ऑर्डर का नाम मतलब ऑर्डर भी इशू हो गया था बाय दी बेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 7 मार्च को
तो वो किसको क्रेडिट दिया जाता है? ये मैकॉले को दिया जाता है, या थॉमस जो है बेबिंगटन मैकॉले है, अलेक्जेंडर डफ है, या चार्ल्स ट्रेवेलियन है? चलिए यस, सो द करेक्ट इज बेबिंगटन मैकॉले। नेक्स्ट चलते हैं, विच यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे जुआन जैंग एंड जो है क्विंग विजिट इन इंडिया, कौन सी यूनिवर्सिटी को विजिट किया था? नालंदा, तक्षशिला, बनारस हिंदू, या विक्रमशिला? उसका करेक्ट आंसर है वन, नालंदा यूनिवर्सिटी को ये लोग आए थे विजिट के लिए इन इंडिया में। यस, एन एस एस एफ एंड एनसाइज्ड बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन स्टैंड्स फॉर, एन एस एस एफ क्या है? नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन कहते हैं, नेशनल साइंटिफिक एंड सोशल साइंस फाउंडेशन है, साइंटिस्ट के ऊपर है। यहाँ पे देखो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ पे साइंटिफिक दिया है बस, और ये साइंस दिया हुआ है। सो बहुत ही बेसिक यहाँ पे डिफरेंस है नेशनल साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट के ऊपर है। जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे देख लो, फर्स्ट फर्स्ट साइंस एंड सोशल साइंस का फाउंडेशन है यहाँ पर। बेसिकली जो है नॉलेज के लिए दिया था, ये हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी सेटअप की गई थी 2005 में, जो कि सैम पिट्रोडा के कमीशन में हेडेड हुए थे, एंड ही वाज द टेक्नोक्रेट्स एंड एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एनकेसी के बारे में जो है एनकेसी दिया था, जिसमें इन्होंने बहुत ही जो है हायर एजुकेशन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वोकेशनल हो, उन्होंने कहा नॉलेज को हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है नॉलेज को, तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स इन्होंने दिए थे। और जो है जो ये उनके एनकेसी के ही रिकमेंडेशंस पे जो है रिकमेंडेड द सेटिंग, ये रिकमेंडेड द सेटिंग अप टू द नेशनल साइंस एंड एनएसएफ की जो है सेटिंग्स तैयार की थी, ताकि रिसर्च वर्क प्रोड्यूस किया जा सके, एंड दैट कैन फेच द नोबल प्राइज इन स्पेसिफिक एरियाज में, जो है नोबल प्राइज फेच कर सके। एंड उन्होंने ये नोटिस किया कि जो की एरियाज है जहाँ पर हमारे जो इंडियन साइंस लैक करता है, जैसे लैक ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन कम होता है, लॉन्ग टर्म विजन कम देखा जाता है, मतलब दूर की जो पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, वो बहुत ही यहाँ पे मिस की गई, ठीक है। एंड दे आर लैक ऑफ इंटरेक्शन, लॉन्ग टर्म विजन जो है, डिफरेंशियल रिन्यूमरेशन है, या लैक ऑफ साइंटिफिक मेथड्स यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए, उनके बेसिस पे यहाँ पर जो है एन एस एस एफ जो स्पेशली किस में काम करेगा, साइंस और सोशल साइंस फाउंडेशन रखा गया था एन के सी के द्वारा, ठीक है। एज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि एन ई टी एफ का फोरम है, नेशनल एजुकेशन ईटी का नेशनल जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, उसके क्या फंक्शंस रहेंगे? इट प्रोवाइड द इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस देगा स्टेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज को इन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस के ऊपर, कि क्या ये एक इंडिपेंडेंटली काम करेगा जो है जो स्टेट गवर्नमेंट्स की एजेंसीज होती हैं उनके लिए, या आर्टिकुलेट करेगा नए डायरेक्शंस रिसर्च एंड इनोवेशंस के लिए, एनविजन करके रखेगा स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट एरियाज को एजुकेशन टेक्नोलॉजी डोमेन में, जो भी स्ट्रैटेजिकली थ्रस्ट एरियाज होंगे उनको देख के रखेगा, डेवलप द करिकुलम फॉर टेक्निकल कोर्सेज के लिए करिकुलम बनाएगा, या बिल्ड द इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज फॉर द ईटी प्रोग्राम्स। यस, तो इसका करेक्ट आंसर यस, बिल्कुल इसका आंसर होगा ये, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं ना उनके लिए ईटी नहीं है, मतलब ईटी स्पेसिफिक नहीं है, ईटी जो है आपको बेसिकली यहाँ देखोगे फर्स्ट में ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखा है, यहाँ पे भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डोमेन से रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो नए आयाम, नई डायरेक्शंस आर्टिकुलेट की जाएगी रिसर्च में ईटी के थ्रू, एंड यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट वर्क करेगा। तो जो एनईपी में 2020 में जो है ये जो टेक्निकल कोर्सेज से डिपेंड करता है, ये थोड़ा कम यहाँ पे समझा गया। क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपको करिकुलम रिविजन के, जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये भी 12 जुलाई, अब देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है आप सबके लिए कि ये 12 जुलाई 2022 का पेपर है मॉर्निंग सेट का,
ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको देखना है जो करिकुलम रिवीजन है, यानी कि टू अलाइन इट बेटर विद विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि हम करिकुलम को रिवाइज करते हैं ना, रिवाइज मतलब कि जो हमने साल भर किया है अब उसमें क्या क्या चेंजेस लाने, उसको रिवाइज करने की जरूरत है, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें विजन या मिशन को इंस्टीट्यूशन को एक तरीके से अलाइन करके चलना है, मेक इट लर्निंग आउटकम बेस्ड बनाना है, मेक इट मोर इफेक्टिव बनाना है ताकि इम्प्रूविंग द अटेनमेंट लेवल्स अगेंस्ट द प्रोग्राम आउटकम, या डेवलप करना है कैपेसिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स की, कैपेसिटीज को डेवलप करना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन के लिए। बताइए क्या हो सकता है मेन रिविजन का कारण, क्या हो सकता है? तो उसका करेक्ट कारण हो सकता है येस, डी को छोड़ के, कि हम जो करिकुलम को जो रिवाइज करते हैं ना वो बेसिकली कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं, तो स्पेसिफिकली तो उसके लिए नहीं होता है, बाकी इसके सारे करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 12 जुलाई को आया हुआ है पेपर में। द पर्पस ऑफ 21st जो सेंचुरी है हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज। हमारी जो 21st सेंचुरी में जो हम हायर एजुकेशन का पर्पस लेके चलते हैं वो है क्रिटिकल, क्या है वो, एक क्रिटिकल और क्रिएटिव, क्रिएटिव जो है हमें एबिलिटी निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है, क्योंकि जो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग है हेल्प द स्टूडेंट इन प्लेसमेंट्स में हेल्प करता है, तो मुझे नहीं लगता है कोई स्पेसिफिक रीजन है, तो यहाँ पे देखा यही है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कोई ऐसी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सा है यहाँ पे, तो ये तो रिफ्लेक्टिव ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ईजी था ये वाला। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस बताने हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स होते हैं प्रोवाइडेड। गाइस ये सारे जो क्वेश्चन है वो 2022 के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन मैंने भी आपको इन स्टार्टिंग बताया था, ऑलमोस्ट 180 आप क्वेश्चन लेके चलना, ठीक है, कि जो 2022 में पेपर 1 में आए थे, राइट, तो कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। फॉर द स्टोरेज, ओके, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में दिया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको दिए हुए, ठीक है, आपको यहाँ पे फिल आउट करने हैं, ये तीनों जो हैं आपको क्या दे रखे हैं, ई गवर्नेंस प्लान में दे रखे हैं। स्वैन है, एसटीसी है, एनआईएसजी है, चलिए बहुत जो है यूनिक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ओके। सो फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा एंड होस्टिंग एप्लीकेशन, मतलब कोई डेटा के स्टोरेज, क्योंकि देखिए ई गवर्नेंस होता है यानी कि हम आईसीटी का यूज करते हैं गवर्नेंस को चलाने के लिए, तो उस प्लान में स्टोरेज ऑफ डेटा एंड होस्टिंग के लिए क्या है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए क्या है, और कैपेसिटी की बिल्डिंग के लिए क्या है ना। तो यहाँ देखो फर्स्ट में आता है इसका आंसर बी, SDC, और फिर यहाँ पर आता है SWN सेकेंड में, और जो थर्ड में आएगा हमारा NISG, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, अब इसका हम पूरा चिट्ठा देख लेते हैं क्या कहता है। स्वैन होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये कनेक्टिविटी देगा आपको, नेटवर्क की कनेक्टिविटी देगा, राइट, ये एक तरह का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिंग ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, विद इन अ स्टेट, स्टेट में जो भी डिपार्टमेंट्स है, ऑफिसेस हैं, उनका जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये कम्युनिकेट वो करता है, ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, ये एक तरह का सिक्योर और रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेटा और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, इनेबल्स द डिलीवरी ऑफ इन गवर्नेंस सर्विसेज, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। NISG क्या होता है, दिस इज ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। NISG क्या होता है, स्मार्ट गवर्नमेंट के लिए होता है, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये, नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया, जिसका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, जिसका एम है बेस्ट प्रैक्टिसेस और इनोवेशन को प्रमोट करना बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। SDC स्टेट डेटा सेंटर्स है यहाँ पे, SDC, दिस इज द स्टेट डेटा सेंटर है ये। स्वैन आपको पता ही लग गया, स्टेट वाइड, ये वैन से समझ जाते हैं, स्टेट एरिया वाइड, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है ये, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी देता है। NI जो है, SG आपको यहाँ पे स्मार्ट जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, नेशनल, दिस इज दी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट जो है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आता है, दिस इज नेशनल जो ई जो है ये गवर्नेंस प्लान जो होता है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड बाय
डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ठीक है। तो ये इस डिपार्टमेंट ने जो है इस ई गवर्नेंस प्लान को किया था। एंड एक और था प्लस में, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, ठीक है जी। इन दोनों ने मिलके एक ही गवर्नेंस प्लान स्टार्ट किया था एंड द गवर्नमेंट अप्रूव्ड करता है, गवर्नमेंट अप्रूव दिस प्रोग्राम को, जिसमें 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स रहेंगे, 8 कंपोनेंट्स रहेंगे, और ये बेसिकली आया था 2006 में, और इसको 4 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था जो है 2011 में, ठीक है जी। तो इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन। द मेजर जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं इसके, और भी हैं, जैसे स्टेट वाला तो हमने पढ़ लिया, स्वैन भी पढ़ लिया इसका, फिर आता है कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, थर्ड आता है कॉमन सर्विस सेंटर्स, फिर आता है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, एंड फिर आता है स्टेट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे SSDG, एंड मोबाइल ई गवर्नेंस सर्विस। तो ये आपको, ये जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी 12 जुलाई को ही आया है, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ UGC। क्या ये UGC का है? स्टेटमेंट टू कहता है, स्टेटमेंट टू की जो NBA है, देखिए बहुत बारी ना, एक तो NAC और एक NBA, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन का, NBA एक्रेडिटेशन का। NAC क्या करता है, ये ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेट करता है, और जो NBA होता है बेसिकली वो एक टेक्निकल प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके, उनको एक्रेडिटेट करता है NBA। तो बेसिक डिफरेंस यही है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ देखना 3 की, स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, इसको UGC ने जो है कॉन्स्टिट्यूट है, लेकिन वॉज इस्टेब्लिश बाई UGC विद द पर्पज ऑफ इवेलुएटिंग, फंक्शन ऑफ NBA, NBA जो है यहाँ पे हमारा 1994 में आया था, ठीक है, और ये AICTE के एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर में आया था, जहाँ पर क्वालिटेटिव जो है कॉम्पिटेंस ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जो है डिप्लोमा से लेके डिप्लोमा टू द पोस्ट ग्रेजुएट, जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है या मैनेजमेंट फार्मेसी है, इसमें होता है। तो ये AICTE का प्रोग्राम है यहाँ पे, और ये मेजर रिस्पॉन्सिबल रहता है, रेगुलेशन है, सुपरविजन है, या एक्रेडिटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये UGC का प्रोग्राम है, UGC कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये AICTE का है, AICTE। ठीक है, चलें आगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ कोठारी, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द आंसर इज 1 है, DS कोठारी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन एशियंट इंडिया जो इंडिजियस एजुकेशन है वॉज इम्पार्टेड एट द होम पे दी जाती थी, टेम्पल्स में, गुरुकुल्स में। स्टेटमेंट 2, इन एशियंट इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं वेंट टू विहारास में, विहार में चले जाते थे फॉर द हायर नॉलेज। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू UGC क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं, ओके, 2021 में अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कोर्स क्रेडिट्स, कि जो किसी भी टोटल जो कोर्स है उसके जो क्रेडिट्स कितने चाहिए, मतलब उस कोर्स के लिए अगर आपको सर्टिफिक प्रोग्राम के सर्टिफाइड होना है, ठीक है ना, तो उसके लिए कितने क्रेडिट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो वो है यहाँ पे है 40%, ठीक है। क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग, जब आप स्वयं में पढ़ते हो तो स्वयं जो है कोर्स के लिए आपको परसेंटेज की क्रेडिट ऑफर करता है, कि अगर इतने क्रेडिट्स होंगे तो ही आपको जो है इसमें वो मिलेगा, नेक्स्ट लेवल कह लो या सर्टिफाइड जो भी है। तो
उसको 40% होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू द UGC क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं 2021, अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कोर्स क्रेडिट्स इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इन अ सेमेस्टर कैन बी ऑफर्ड थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। अब UGC ने जो है मोस्ट क्या किया हुआ है, यूनिवर्सिटीज को ऑफर किया कि 40% जो होगा ऑफ कोर्सेज पर सेमेस्टर ऑनलाइन टू स्टूडेंट्स थ्रू स्वयं एप्लीकेशन से जो करेगा उसे 40% देना होगा, ठीक है। तो UGC के नए रेगुलेशंस जो हैं कॉल्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो उनका नया रेगुलेशंस है, ठीक है, थ्रू स्वयं, ठीक है, विल अलाउ द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री टू ऑफर ओनली 40% ऑफ ऑल द कोर्सेज इन अ प्रोग्राम थ्रू द ऑनलाइन मोड, थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वैल्यू एजुकेशन इज अबाउट प्रमोटिंग, क्या है वैल्यू एजुकेशन, क्या ये इक्वालिटी और सोशल जस्टिस देता है, नेशनल कोहेंशन एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है, रिच रिच कल्चर जो है, स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स है, साउंड मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स है, बताइए। तो इसमें आपको क्या लगता है वैल्यूएबल में, इसका करेक्ट आंसर है येस, सेकेंड, सिर्फ डी को छोड़ के, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन कोई एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। विद रेफरेंस टू इनटेक ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, मैंने आपको बताया था इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कौन है, 50 जो हाई रैंक में आते हैं ना, NIRF की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग इन फ्रेमवर्क की, ठीक है, उनको कुछ प्रावधान दिए जाते हैं। विद रेफरेंस टू इनटेक ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कैन एडमिट फॉरेन स्टूडेंट्स एडिशनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ, यस द आंसर वुड बी 30%। अब 30% में क्या बोलते हैं, देखो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस क्या होता है, स्टेटस कन्फर्ड द सेलेक्ट जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इनका बेसिक स्कीम का होता है कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं होल्ड, मतलब अचीव द वर्ल्ड क्लास स्टेटस उनको मिल सके, क्या मिल सके, वर्ल्ड क्लास स्टेटस, मतलब बाहर के लोग भी वर्ल्ड में भी उनको जाने, बाय प्रोवाइडिंग देम ग्रेटर ऑटोनॉमी, ताकि इंस्टीट्यूशंस को ना ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल सके रिसोर्सेज की, कोर्सेज की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो वो फॉरेनर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है भारत देश में बुला सकें। एंड मैक्सिमम ऑफ 20 जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग पब्लिक हों चाहे प्राइवेट हों, इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं ऑन सर्टन क्राइटेरियन बेसिस पे, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जैसे कोलाबोरेशन, इनोवेशन, इंटरनेशनल, कुछ ये क्राइटेरियाज होते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, वो उन्हें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बेनिफिट्स हैं फॉर हैविंग दिस स्टेटस, जो इनको स्टेटस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि जब ये स्टेटस मिलता है तो दे हैव द ऑप्शन टू एडमिट मेरिट बेस्ड जो है ओवरसीज स्टूडेंट्स, कि उन बच्चों को वो मेरिट बेस्ड पे बुला सकते हैं, ठीक है। एंड फिल अप द 30% ऑफ द नंबर ऑफ एडमिटेड डोमेस्टिक स्टूडेंट्स में, कि 30% फिल अप करने के लिए वो क्या करेंगे, मेरिट बेस्ड पे बुला सकते हैं। सेकेंड आएगा गेट अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब किसी तरह की उनको रिस्ट्रिक्टेड नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दे हैव द अथॉरिटी टू चूज द डोमेस्टिक स्टूडेंट कॉस्ट, जो भी है वो अपने आप इसको ले सकते हैं, विद द कंडीशन कि नो एक्सेप्टेड स्टूडेंट शुड बी टर्न अवे फॉर द फाइनेंशियल रीजन, की ये कोशिश करते हैं कि पैसों की तंगी की वजह से कोई बच्चा जो है वो ना जाए, तो उनको काफ़ी स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। दे हैव द फ्रीडम टू सेट देयर ओन करिकुलम, इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है कि वो कोशिश कर, उनको इस तरह की फ्लेक्सीबिलिटी दी जाती है फीस के बेसिस पे, कोई ना जाए, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सीबिलिटी होती है, उनका अपना करिकुलम वो चला सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर्स रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ हायर फॉरेन फैकल्टी रख सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में, एंड ग्रेटर फंडिंग जो है रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जहाँ से भी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट है ना ये वाले, इनको इस तरह की जो है ऑटोनॉमी दी जाती है, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है,
ये आएगा वाइस चांसलर। मेनली इनका काम क्या होता है, मेनली इनका काम होता है डिसीजंस लेना एंड डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, ठीक है जी। सो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, टिपिकली इसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और स्टेक होल्डर्स आप ले सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द डिसीजंस ऑन ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे देते हैं, जिसमें एकेडमिक प्रोग्राम्स, बजटिंग, स्टाफिंग एंड फैसिलिटीज मैनेजमेंट यहाँ पे मिलती है, ठीक है। मेनली जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ये इंश्योर करने के लिए कि जो यूनिवर्सिटी ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद इट्स अकेडमिक मिशन, कि वो कंसिस्टेंटली वर्क करे, ठीक है। तो वाइस चांसलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। स्टेटमेंट वन कहता है पिट्रोडा जो कमीशन है रेकमेंडेड सेटिंग अप 1500 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया टू अवॉइड दिस स्टैग्नेशन इन द हायर एजुकेशन। पिट्रोडा कमीशन रेकमेंडेड सेटिंग अप 1500 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया टू अवॉइड द स्टैग्नेशन इन हायर एजुकेशन। स्टेटमेंट टू, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लो एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू 1975, फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नू 1975 में नहीं आई थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई, ठीक है। ये 85 में आई थी, और पिट्रोडा वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो एनकेसी जो है, सैम पिट्रोडा ने जो एनकेसी यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी थी प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू नॉलेज सोसाइटी उनका मेन एम था। उन्होंने जो है क्या किया था, सबमिटेड अराउंड 300 उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे, 300 के करीब रिकमेंडेशंस दिए थे ऑन 27 फोकस पॉइंट पे एंड ड्यूरिंग द 3 एंड जो है हाफ ईयर टर्म पे, मतलब 3.5 साल उनको लगे थे, 3.5 ईयर लगे थे। उसमें 27 उन्होंने जो है 27 फोकस पॉइंट दिए थे, और टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को इंक्रीज किया जाएगा अप टू 1500 तक, जिनका की रिकमेंडेशंस था। तो ये बिल्कुल सही बात है, और ये 1985 में आई थी इग्नू, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड पॉइंट सही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। OER बहुत इजी है, और इसका आपको पता ही है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, फुल फॉर्म बतानी थी। एक्रोनियम आता है NHEQF, यस। इसका देख लो क्या आता है। फर्स्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क है, ओके। वापस से आके ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। वैसे आपको मैंने पीछे बताया था नेशनल ई गवर्नेंस, ये वो है ई गवर्नेंस का प्रोग्राम है, जो कि बेसिकली डाइटी और ये इसने डेपॉर्क ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने मिलके इसको लॉन्च किया था। ये पीछे मैं आपसे बात कर चुकी हूँ इस बात, ठीक है। एशियंट जो लिटरेरी वर्क है, जिसमें बना भाटा जो है कादंबरी डिस्क्राइब्ड गुड एजुकेशन एज अ नॉलेज ऑफ हाउ मेनी आर्ट्स इसमें डाले गए थे, तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, दैट इज 32। आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस जिसने नेशनल इम्पोर्टेंस दिया, जो बनारस हिंदू, अलीगढ़, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, गांधीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, राष्ट्रीय रक्षा गांधीनगर। महात्मा गांधी इज एक्रेडिटेटेड किया था उन्होंने, गांधी वॉज हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्रेडिटेटेड विद द व्यू दैट नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन, इज अ सिन। ये किसने एक्रेडिटेट किया था, दैट वॉज द गिवन बाय महात्मा गांधी। तो इसका जो महात्मा गांधी का डिस्क्रिप्शन था वो आगे चला गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे इंस्टीट्यूशंस का मुझे लग रहा है यहाँ पे होगा। आ जाओ। द वाइट पेपर ऑन इंडियन एजुकेशन वॉज अनाउंस्ड अ फ्यू डेज बिफोर द पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट इन, जो व्हाइट पेपर की बात हो रही है, पहले यहाँ देख लेते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, एंड दिस इंस्टीट्यूशन आर गिवन वेरी स्पेशल स्टेटस एंड रिकग्निशन मिलता है उसको, जहाँ पर उनको ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सीबिलिटी है। बेसिकली ये एस्टैब्लिश किया गया था कि एक्सेलेंस इन एजुकेशन को प्रमोट करना है, कि
कैसे रिसर्च और कैसे किसी स्पेसिफिक एरिया में फील्ड में डेवलपमेंट लेके आनी है, तो यहाँ पे वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन है ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, और इसका है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, दैट इज ओके। ये इसका आगे वाला है, ये रहा इसका आंसर, ये वाला आएगा जो ये है ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का, ये रहा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आएगा। इसके बारे में ये बताता है कि ये गुजरात में है, एंड 2000 जो है 20 में अपग्रेडेड किया गया था इसको, 2009 में इसका जो है स्थापना थी। एंड दिस एम्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन वेरियस फील्ड्स में देखा, जिसे नेशनल सिक्योरिटी कैसे रखी जाए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है या काउंटर टेररिज्म है या फोरेंसिक साइंस है या डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये कुछ नेशनल इम्पोर्टेंट कोर्सेज कह लो या ट्रेनिंग कह लो, तो इसीलिए इसको इंस्टीट्यूशन सब कहा जाता है कि यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में रक्षा, राष्ट्रीय नाम से ही आप बता सकते हो, राष्ट्रीय रक्षा जो यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे वो कोर्सेज चलाए जाते हैं जो हमारे नेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, वाइट पेपर वाला 1904 में आया था, ये 20 सितंबर को इवनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, जहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक्ट है, वो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम का है। एंड दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, में इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था, एंड एम्ड टू इस्टेब्लिश द प्रॉपर यूनिवर्सिटीज विद मॉडर्न फैसिलिटीज। अब ये इंडियन जो यूनिवर्सिटी एक्ट था, ये बेसिकली प्रॉपर यूनिवर्सिटी बनाया गया था जहाँ पे पूरी तरीके से मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। ठीक है, एंड इस बिल के पास होने से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हैड इनिशिएटेड वेरियस एफर्ट्स, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लेके आए थे कि जो है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाया जाए। एंड वन ऑफ दोज एफर्ट जो रिफॉर्म लाने की बात थी, वॉज अनाउंसमेंट ऑफ द वाइट पेपर ऑन इंडियन एजुकेशन थी, कि उस वाइट पेपर पे बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट था, कंटेन्ड द प्रपोजल्स थे उसमें, रिकमेंडेशंस थी कि हम कैसे भारतीय भाषा, भारतीय एजुकेशन में रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो ये वाइट पेपर पे बेसिकली रिफॉर्म्स लिखे गए थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1901 में करने जा रही थी, 3 साल लग गए थे उसको जो है ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को लाने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको समझने वाली बात है। वाइट पेपर जो है एम्फसाइज्ड द नीड फॉर अ बेटर एजुकेशन के लिए वो लेकर आए थे, हु आर बीइंग सेंट टू द ब्रिटेन फॉर एजुकेशन, एंड इट प्रपोज्ड कि जो एस्टेब्लिशमेंट होगा यूनिवर्सिटीज का, वो हाई ऑफर करेगी डिग्रीज को, ठीक है, रिकोगनाइज होगी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज से। एंड द एक्ट अलाउ करेगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जिसको ग्रांटेड की जाएगी अवॉर्डेड डिग्री। जो भी कोर्सेज होंगे, एक तो वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज होगी, सेकेंडली उनको डिग्रीज दी जाएगी। द फर्स्ट जो इस्टेब्लिश की गई थी अंडर दिस होल, वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो यहाँ पे कैलकटा जो थी तो सबसे पहली थी जो कि जिसके रिफॉर्म्स की बात की गई थी, तो ये वही वाइट पेपर की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पता है 21 जो है, मतलब 21 सितंबर को आया था, हु डिस्क्राइब द एजुकेशन डिस्पैच को, ये तो बहुत सिंपल है। जो 1854 में आया था मैग्ना कार्टा, जिसको बोला गया था हिस्ट्री ऑफ मिशंस इन इंडिया, ये कौन लेके आया था, हु डिस्क्राइब, दिस वाज द फर्स्ट आएगा, यस रिक्टर, विक्टर आई थिंक है ना, रिक्टर इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, रिक्टर राइट। इसके यहाँ पे आपको पूरा वो दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन आप देख लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू स्टेटमेंट्स आपको नीचे दी हुई है, किसके बारे में, ऑनलाइन सर्च के बारे में। तो स्टेटमेंट वन कहता है, इंडियन जो पार्लियामेंट्री कमेटी है,
ऑन द वैल्यू एजुकेशन इन फेब्रुअरी 1990 आइडेंटिफाइड द फाइव क्योर यूनिवर्सल वैल्यूज एट ट्रूथ रिचेस कंडक्ट पीस लव एंड नॉन वायलेंस. ये स्टेटमेंट वन कहता है कि वैल्यू एजुकेशन में पांच यूनिवर्सल वैल्यूज आएंगी. फिर टू में आता है देयर वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस कोर्सेज ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर में वेरियस कोर्सेज के थ्रू दिया जाएगा. ये स्टेटमेंट टू में आता है. तो उसका करेक्ट आंसर आता है येस, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो पार्लियामेंट्री जो कमिटी थी वैल्यू एजुकेशन की, जिसमें जो चेयरमैनशिप में थी एसपी चरण, जिन्होंने फाइव कोर वैल्यूज के बारे में बोला था, जिसमें ट्रूथ कंडक्ट पीस लव एंड नॉन वायलेंस था. ठीक है, जैसे ट्रूथ की बात करें तो ट्रूथ इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलेशनशिप. रिचुअल कंडक्ट की बात हो रही है, पीस की इज द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेजेंस ऑफ हार्मनी. लव की बात हो रही है, जिसमें डीप एंड अनकंडीशनल अफेक्शन है. नॉन वायलेंस की बात हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द हार्म टू वन सेल्फ एंड अदर्स. तो ये सारे पांच चीज़ें थी जो उसमें इन्वॉल्व थी. अब आज एज पर द नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट, द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज मोर देन 1500 एंड देर इज अ रीजनल इम्बैलेंस इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री. रीजन ये रहेगा कि जो मेजर रीजन है फॉर दिस एंट्री ऑफ प्राइवेट एडिड एज वेल एज सेल्फ फाइनेंसिंग. यस, तो ये वाला सही है, करेक्ट, कि हाँ जो है एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन में 1500 मोर यूनिवर्सिटीज के एस्टैब्लिशमेंट यानी कि एक्सपेंशन की बात की गई थी. ठीक है, और ये बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि नॉलेज ऑफ एक्सपेंशन की बात करता है. विच यू फॉलोइंग वर द एशियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो पुराने सिस्टम में कौन सा था, वेदास, ब्रह्मानिषद या धर्म सूत्रास. तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं, ऑल आएगा यहाँ पे. चक्र जो है, चरक इज नोन फॉर, चरक जो बेसिकली इसमें मेडिकल ट्रीटीज दे रखी हैं कि कैसे हम लोग किसी का इलाज कर सकते हैं, मेडिकली ट्रीटीज दे रखी हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ मोक चैनल का फॉर दी सेल्फ पेस्ड कोर्सेज ऑफ स्वयं. स्वयं जो पोर्टल है वहाँ पे मोक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज चलती है, तो उसका कोई कोऑर्डिनेटर बताना, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेटर है स्वयं कोर्स का, तो वो है यस AICTE. Which of the following is the national coordinator of MOOC for the self-paced courses on Swayam portal? देखो गाइस, नेपटेल जो है वो तो इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए, जिसको सेवन इंस्टीट्यूशंस ने जॉइंट वेंचर, मतलब आप सेवन इंस्टीट्यूशंस ने IIT इन सब के लिए किया है. नेशनल कोऑर्डिनेटर इग्नू तो अपना ही ODL चलाता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग चलाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ MOOC फॉर सेल्फ पेस्ड कोर्सेज. ठीक है, AICTE है. ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसमें कि वो कहीं UGC तो नहीं है. ठीक है, AICTE है. यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो कमीशन है, ठीक है, वॉज एस्टैब्लिश्ड इतने में हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद. यस, जो NKC वॉज कॉन्स्टिट्यूशन 2005 में. तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1952 आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, इट कम इन द सेकेंडरी एजुकेशन. ठीक है, आई एम रियली सॉरी. ठीक है, दैट वॉज द सेकेंडरी. ठीक है, ये आ जाता है 1948 में. ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन. यस, तो फर्स्ट वन इज, तो यहाँ पे ये आएगा, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड वन इज ट्रू. ऐसी गलतियां लगती हैं बच्चों, जैसे मुझे हुई है ना, कि मैंने सिर्फ आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा, ईयर नहीं देखा है, तो काफी बच्चे इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, दीक्षा है, स्वयं है एंड स्वयं प्रभा है, आर एग्जिस्टिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं. एंड स्टेटमेंट टू कहता है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हैज आइडेंटिफाइड द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम ऑल्सो टू कंडक्ट द पायलट स्टडीज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए.
जो ऑनलाइन एजुकेशन की पायलट स्टडी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन कि हाँ दोनों ही सही है, पहला तो है ही सही, सारे ही ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए आइडेंटिफाई करता है, ये बात भी सही है कि उन्होंने ईटी से रिलेटेड है। अब ईटी क्या करता है, ऑनलाइन कोर्सेज देता है जिसमें पायलट स्टडी करता है एनी, ठीक है। विच इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एम करता है प्रोवाइड आईटी कनेक्टिविटी टू ऑल द 2,50,000 ग्राम पंचायत इन द कंट्री, 2,50,000 ग्राम पंचायत को आईटी की कनेक्टिविटी कौन देता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत नेट देता है, बहुत न्यूज में रहा था ये। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम हायर एजुकेशन में, ठीक है। अब उसमें क्या बात करता है, ये जो भारत नेट एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव रहा इंडियन गवर्नमेंट का, जहाँ पर एम किया गया कि 2,50,000 ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा हाई स्पीड के साथ में, और ये लॉन्च हुआ था 2011 में थ्रू द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। ये रहा जिसमें लेटर ऑन उसका नाम था भारत नेट, पहले जो नाम था वो था NOFN, यानी कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसका प्राइमरी एम था कि हम एक अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड देंगे कनेक्टिविटी, ताकि विलेजेस जो हैं उसमें, बेसिकली इनका मोटिव था डिजिटल डिवाइड को कम करना, जो ब्रिज बना हुआ है डिजिटल डिवाइड उसको कम करना था, और प्रमोट करना था डिजिटल इंक्लूजन को, डिजिटल इंक्लूजन को। जो इनिशिएटिव एम रहा वो था डिलीवरी ऑफ ई गवर्नमेंस है, ई हेल्थ देना, ई एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये बेसिक उनका एम था भारत नेट का, जिसमें वो सफल भी रहे थे। जो फर्स्ट फेज था उसमें 1,000 ग्राम पंचायत को हमने हाई स्पीड दिया था इन्होंने 2017 तक, ठीक है। जिन्होंने जो कि इन्होंने जो एम था, जो उनका फेज था, वो दिसंबर में जाके, मार्च में दिया था, उसके बाद वो दिसंबर में जाके कंप्लीट हुआ था। सेकेंड फेज में उन्होंने टारगेट जो किया था कि रिमेनिंग हम जो 1,50,000 ग्राम पंचायत था उनको हाई स्पीड देंगे दिसंबर मार्च 2019 तक, जो कि जाके अगले साल, यानी कि ये फेज कंप्लीट हुआ था उनका दिसंबर 2020 में, मतलब उन्होंने अचीव किया था। थर्ड फेज का एम था फाइबर टू द होम, मतलब FTTH का, फाइबर टू द होम तक लेके आएंगे कनेक्टिविटी को इन द रूरल एरियाज में, जहाँ पे भारत नेट जो है, भारत का ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL ये लेके आया था, एंड थ्रू द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है उनको फंड कर रहा था, ठीक है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड उनको क्या कर रहा था, फंड कर रहा था, एंड विच वॉज मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसको मैनेज कर रहा था। उसके बाद सेकेंड थिंग आती है NIC नेट की, दिस इज द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर फॉर द नेटवर्क, ठीक है जी। अब इसमें क्या आता है, दिस इज द ई गवर्नेंस सॉल्यूशन है फॉर द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ पर जो है नेटवर्क इज यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या अदर जो IT सर्विसेज होती हैं वो करना। फिर आता है दूसरा मेघराज, यानी कि GI क्लाउड। मेघराज क्या है, ये गाइस ऑप्शंस में है, ठीक है। तो NICT का हो गया नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, और ये हो गया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेघराज है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएट की गई थी। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बेसिकली ये प्रोवाइड करता है सिक्योर एंड रिलायबल क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर जो गवर्नमेंट एप्लीकेशन और डेटा रखे होते हैं ऑन द वन साइडेड, और काफ़ी सिक्योर रखे जाते हैं ये, ठीक है। एक है ई टाल, दिस इज अ वेब पोर्टल है, प्रोवाइड करता है रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स ऑफ द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद ये 2013 में मॉनिटर करने के लिए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव, जो भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया इंडिया इनिशिएटिव चलाया था, उसको ये मॉनिटर करता था ईटा, ठीक है। एंड द पोर्टल जो है प्रोवाइड्स द डेटा ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे, रिस्पॉन्स टाइम, सक्सेस रेट एंड अदर जो मेट्रिसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के, वो यहाँ पे प्रोवाइड होती थी। एंड इट इज एम्ड एट प्रमोटिंग द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज इन इंडिया, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी इन दिस लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। इसका सेकेंड पार्ट मैं ज़रूर लेके आऊँगी, 2022 का पेपर का भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें रहते हैं स्टिल, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।